नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार को मिली 742 महिला दरोगा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने जारी किया अंतिम रिजल्ट। बिहार के सरकारी कार्यालयों में अब नहीं दिखेंगी प्लास्टिक बोतलें व फोल्डर, बदलेंगी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। बिहार में नहीं थम रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार, 2 की मौत, मिले 497 नए संक्रमित। बिहार में 2024 तक बन जाएगा कोसी नदी पर 7वां पुल, फ्लॉट सेतु से नेपाल और झारखंड आएंगे करीब। बिहार में दरोगा भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जारी परिणाम में 1998 दरोगा और 215 सार्जेंट सफल घोषित किए गए हैं। दरोगा के 1998 पदों में 742 महिलाएं भी सफल हुई हैं, जबकि सार्जेंट के 215 सफल आवेदकों में 84 महिलाएं भी हैं। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के विरुद्ध 600,000 से अधिक आवेदकों की दो पालियों में लिखित परीक्षा हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा में 47,900 आवेदक सफल हुए थे, जिनके लिए 24 अप्रैल को दो पालियों में मुख्य परीक्षा हुई थी। इसका परिणाम 6 मई 2022 को जारी हुआ। इसमें 14,856 आवेदक सफल घोषित किए गए थे। बिहार सरकार के कार्यालयों या सरकारी बैठकों में प्लास्टिक पानी की बोतल व प्लास्टिक से बने फोल्डर का उपयोग नहीं होगा। विमोचन समारोह में किताब या रिपोर्ट को प्लास्टिक से बांधने की भी परंपरा खत्म होगी। 1 जुलाई 2022 से सूबे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाए जाने के बाद इसको प्रभावी बनाने को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक में सरकारी विभागों को मॉडल बनकर आगे आना चाहिए। विभिन्न विभागों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक के लिए वैकल्पिक सामग्रियों जैसे कागज, कपड़ा, पत्तल या कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने सामग्रियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। इसको लेकर शहरी निकायों में विकल्प वाली उद्योगों की इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्वयंसेवी संस्थाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूह के स्तर पर स्टील कटलरी बैंक की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाना है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 497 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सबसे अधिक पटना जिले में 178 नए संक्रमित पाए गए। वहीं 2 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है, जबकि 409 स्वस्थ भी हुए हैं। साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 2596 हो गई है। 24 घंटे में राज्य में 120,170 सैंपलों की जाँच की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सिर्फ पटना जिले में पिछले 24 घंटे में 178 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 19 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1352 हो गई है। नए संक्रमितों में पीएमसीएच के एक जूनियर डॉक्टर व एक नर्स, आईजीआईएमएस के 2 स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल हैं। पटना जंक्शन एयरपोर्ट और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 27 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि की गई है। कोसी नदी पर फोरलेन फ्लॉट पुल से होकर 2024 में आवागमन शुरू होगा। इस पुल को बनाने में सभी तरह की बाधाएं दूर होने के बाद निर्माण कार्य चल रहा है। यह कोसी नदी पर राज्य में 7वां पुल होगा। इस पुल में 4 लेन चौड़ाई वाले इस पुल में 55 मीटर के 128 स्पैन प्रस्तावित है। इसमें मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज, फ्लॉट, मधेपुरा और सिंहेश्वर स्थान के साथ सुपौल के पिपरा, सिमराही और बीरपुर के NH-31 के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। इसके साथ ही करीब 29 किलोमीटर लंबाई में NH-106 बनने से भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया जिले की कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही नेपाल, उत्तर और दक्षिण बिहार सहित झारखंड के बीच सड़कों का संपर्क बढ़ेगा। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली में अब किसी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की नियुक्ति में लगातार मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सरकार ने नियमावली बनाने की घोषणा की थी। सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन के लिए नियमावली तैयार कर ली है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे लागू कर दिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट की होने वाली आगामी बैठक में नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी। दरअसल बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन में लगातार धांधली के आरोप लग रहे थे। इससे संबंधित कई मामले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी पहुंचे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में ही संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया था। सेविका और सहायिका के चयन में सबसे अधिक यह शिकायत मिल रही थी कि अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों की जगह कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में धांधली की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन के लिए नियमावली बनाने का फैसला लिया था।
मानसून पहले ही बिहार समय पर पहुंच गया है, लेकिन अब राज्य के अंदर सूखे की स्थिति है। सूखे को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि बिहार के 20 से ज्यादा जिलों में खेती की शुरुआत नहीं हो पाई है। लेकिन सूखे के हालात के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। सूबे में अगले दो दिनों के बाद बारिश के आसार हैं। आज से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। आषाढ़ महीने और खास तौर पर आद्रा नक्षत्र में इस बार बारिश नहीं हुई, लेकिन सावन महीने की शुरुआत के साथ बारिश की उम्मीद जगी है। सावन के महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होती है, लेकिन फिलहाल हालात जेठ और बैसाख जैसे दिख रहे हैं। अब मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ट्रफ रेखा बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल से शिफ्ट होकर जैसलमेर कोटा गुना उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इससे बिहार के अधिकांश हिस्से में मानसून की सक्रियता कम हो गई है। पूर्वी पश्चिमी चंपारण सिवान सारण सहित 25 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। भीषण बिजली संकट से जूझ रहे बिहार के लिए सोमवार को एक अच्छी खबर आई है। सोमवार को बिहार में बिजली संकट थम गया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी राज्य में बिजली की कमी जारी है। सोमवार को बिहार में बिजली आपूर्ति में बहुत हद तक सुधार हो गया। एनटीपीसी की नवीनगर और बाढ़ यूनिट के प्रोडक्शन शुरू होने के कारण केंद्रीय कोटे से बिहार को लगभग पूरी बिजली मिली। मांग की तुलना में बिहार को मात्र 300 मेगावाट की कमी रही, जो बाजार से खरीदकर आपूर्ति की गई। एनटीपीसी की नवीनगर यूनिट सोमवार की सुबह से ही चालू हो गई। इससे बिहार को 560 मेगावाट बिजली मिलने लगी। ट्यूब लीकेज के कारण बाढ़ से उत्पादन ठप हुआ था, जो देर रात बहाल हो गई। इस यूनिट से बिहार को 402 मेगावाट बिजली मिलने लगी। एनटीपीसी से बिहार को 5200 मेगावाट से अधिक बिजली दी गई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। उनकी सेहत से जुड़ी ताजा अपडेट के अनुसार लालू प्रसाद अब सीसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट से बाहर आ गए हैं। लालू यादव को एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। अब लालू यादव को ऑक्सीजन सपोर्ट या सीसीयू में मौजूद मेडिकल सुविधाओं की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव की लगातार कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ रही है, जिसमें वे कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं तो कभी अपने कमरे में वॉक करते दिख रहे हैं। लालू यादव अब हल्की डाइट भी लेने लगे हैं। फिलहाल उन्हें ऐसे डाइट लेने की सलाह दी गई है जो आसानी से पच सके। ज्यादातर उन्हें खिचड़ी ही दी जा रही है। इधर बिहार में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने से राजद का सदस्यता अभियान प्रभावित हुआ है। सदस्यता अभियान के करीब 7-8 दिन यूं ही गुजर गए। दरअसल राजद नेता की तबीयत खराब होने से राजद कार्यकर्ता और नेता सभी मायूस थे। अब राजद सुप्रीमो की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ है। ऐसे में राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सदस्यता अभियान को फिर गति दी है। सातवें चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए नियोजन इकाई वार रिक्तियों का आंकड़ा अभी तक जिलों से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं मिल सका है। जिलों को नियोजन इकाई वार रिक्तियों की जानकारी 30 जून तक देनी थी। ऐसे में जिला स्तर पर जिलाधिकारी से रिक्त पदों के सापेक्ष रोस्टर बिंदु के क्लियरेंस में विलम्ब होने की आशंका है। विभागीय जानकारों के मुताबिक रोस्टर क्लियरेंस में यह पूरा महीना लग सकता है, जबकि निदेशालय ने जिला पदाधिकारियों से रोस्टर क्लियरेंस करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की थी। इससे सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी में विलंब संभव है। इसके अलावा नियोजन इकाई वार रिक्त पदों को NIC पोर्टल पर अपलोड करने में देरी हो सकती है। इसके लिए 25 जुलाई की तिथि तय की गई है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में राजद प्रदेश कार्यालय में आज महागठबंधन की बैठक हुई। सभी विपक्षी दल आज हुई बैठक में शामिल हुए। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 7 अगस्त को पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। महागठबंधन के सभी साथी महंगाई बेरोजगारी और अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इस बात की जानकारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुहर्रम को देखते हुए तिथि को बदला गया है। पहले प्रदर्शन का कार्यक्रम 9 अगस्त था, अब 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 15 जुलाई को पटना आ रहे हैं। यशवंत सिन्हा के आगमन से लेकर चुनावी कार्यक्रम से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। महागठबंधन की बैठक में कांग्रेस विधायक शकील अहमद, माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेंद्र झा, पूर्व राज्य सचिव KD यादव, भाजपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, भाजपा के राज्य सचिव ललन चौधरी, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मनोज झा, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता बैठक में शामिल हुए। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि नेताओं ने एक स्वर में यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन एवं वोट देने का फैसला लिया है।